कसरावत के एक छोटे से गांव के युवाओं ने श्रद्धालुओं के लिए श्रमदान करके नाले पर झूला पुल बनाया है। युवाओं की इस पहल से जहां एक और परिक्रमा करने वालों की दिक्कत खत्म हुई तो वहीं दो गांव की भी आपस में भी जोड़ दिया गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कठोरा गांव की। यहां मां नर्मदा परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमा यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बने एक नाले पर युवाओं ने जन सहयोग से राशि एकत्रित की और श्रमदान करके अस्थायी पुल का निर्माण कर दिया। बड़गांव का व कठोरा के बीच कसराड़ नाले पर वर्ष भर पानी भरा रहता है। परिक्रमा वासियों को इस नाले में से होकर ही जाना पड़ता था। इस परेशानी को देखकर ग्राम कठोरा के संत श्री नानक दास महाराज सेवा समिति के युवाओं ने श्रमदान करके इस नाले पर 75 फीट लंबे झूले पुल का निर्माण किया है। समिति के राहुल यादव ने बताया कि इसमें सरपंच भगवान यादव का भी विशेष सहयोग है। सराहनीय मतलब पहल है, माँ नर्मदा के तट पे रह रहे हैं, जिससे माँ नर्मदा ने हमें आशीर्वाद दिया और ये पहल करने के लिए सुझाव दिया, जैसे भी हो कि ये काम जैसा भी हुआ है इसमें अच्छी लागत भी लगे और इसमें जैसे सहयोग बना हमसे करा है और आगे भी करते रहेंगे, जिससे 7 किलोमीटर का फेर जो था वो कम हुआ है। और ये हमें परिक्रमा वासियाँ जब भी यहाँ से निकलते थे तो हमने एक दिन आकर यहाँ पर रास्ता साफ़ किया, कठोरा से बड़गांव तक का जाने का रास्ता साफ़ किया, तो हमें दिखा कि यहाँ पर जो नाला है कसराड़ जो नर्मदा जी में पानी जाता है इसमें 12 महीने पानी भरा रहता है, तो उसमें से करीबन कमर तक पानी रहता है भरा हुआ, तो इसमें से परिक्रमा वासियों को जाने में बहुत तकलीफ रहती है। उनके पास सामान भी रहता है, वो उनका सामान लेके निकले या फिर पैदल निकले गिरने की संभावना रहती है, मतलब बहुत तकलीफ होती थी। तो हमारे गाँव के 25 लोगों ने मतलब एक योजना बनाई, एक पहल बनाई कि अपन कुछ भी करके ये जो 70 फीट का रास्ता है इसको अपन झूला पुल निर्माण से कार्य को चालू करें। और इस पुल से हमें ऐसा 7 किलोमीटर फेर लगता था परिक्रमा वासियों को, तो इस वो 7 किलोमीटर के फेर को कम करने के लिए हमने 75 फीट का पुल का निर्माण किया। और इसमें 25 लड़कों ने 1 लाख रुपए के करीब में इकट्ठा करा है और सभी ने श्रम दान करके इस 70 फीट झूला पुल को बनाया है।